आशुतोष झा, आज दो आशुतोष हैं पैनल में, तो आशुतोष आपके पास देरी से आ रही हूं। मुझे गुजरात की जो ये पूरी जमीन है बीजेपी की, इसमें कोई डेंट आपको दिखता है क्या 2027 में? देखिए, अभी जो विनोद जी ने बात कही, सबसे आखिर में जो बात कही, हाँ, पहले वहीं से शुरू। क्या है कि देखिए, गुजरात इलेक्शन तो 3 साल बाद है, यहां 3 महीने बाद चुनाव होते हैं तो पूरी स्थितियां बदली हुई दिखती, ये हम लोगों ने देखा है कई बार चुनाव में, 3 साल बाद है। लेकिन हाँ, आज हम लोग गुजरात क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज गुजरात इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया है, जिसमें कि कांग्रेस में एक उभार दिख रहा है, कांग्रेस में वो अग्रेशन दिख रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा यहां से ये करता हूं कि आपने अभी बात कही 2022, कि 2022 में कांग्रेस कहां से खिसक के कहां आई, और उस वोट शेयर को जो है सो अरविंद केजरीवाल लेकर के नेशनल पार्टी बन गए। लेकिन उस समय गुजरात, जिन लोगों ने भी दौरा किया होगा, देखा होगा, लोगों से बात की होगी, लोग क्या बोल रहे हैं? लोग यही तो बोल रहे थे, जो आम आदमी पार्टी को देने वाले वोटर थे वो ये बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस में तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, कांग्रेस के लीडर कौन है, कौन लड़ने जा रहे हैं, क्या है, कोई हमसे बोलने तक नहीं आ रहा। उनमें अग्रेशन नहीं है कि वो मोदी की भाजपा से लड़ेंगे, ये अग्रेशन नहीं है कांग्रेस में, तो हम उनको क्यों दें? पहली बात, इस बार वो अग्रेशन दिख रहा है, वो अग्रेशन कांग्रेस ने इस बार लिया है, पहली बात। और ये मेंटेन रहेगा 3 साल में आशु, क्योंकि अभी अभी मैंने गिरिराज सिंह की बाइट भी सुनाई, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वेकेशन पर निकल जाएंगे, ये कंटिन्यू रहेगा क्या? देखिए, कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा ये तो राहुल गांधी को बताना पड़ेगा, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इस आग को रख पाते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, आग दूसरों को डराने के लिए भी होता है और आग से खुद जलते भी हैं लोग, ये दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। अग्रेशन किस लेवल पे अग्रेशन देना है ये, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग, पहले मैं गुजरात की ही बात आपको कर दूं। जो दूसरी बात सामने आई थी गुजरात में, जिसके कारण कि अरविंद केजरीवाल का वहां ग्रोथ हुआ था, वो क्या था? वो ये था कि भाई सरकार हमारी बनेगी, लेकिन फॉर्म अभी से भरना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें मुफ्त देनी है, ये देनी है। तो बाकायदा वहां पर पूरे गुजरात में एक मिस्ड कॉल का वो चल रहा था, एक कार्ड बन रहा था, कार्ड पे जो तथाकथित लाभार्थी, क्योंकि लाभार्थी तो तब होंगे जब उनको लाभ मिलना शुरू होगा, लेकिन हाँ, सरकार बनेगी तो तुम्हें यह लाभ मिलेगा, तो एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो गया यहां फॉर्म भरवाने का, वो इस बार कांग्रेस ने किया। आप देख रहे हैं हर जगहों पे कांग्रेस ने किया, और बाद में रिजल्ट का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने। अभी जब गुजरात की ताल ठोकी, हुंकार भरी, तो मैनिफेस्टो का स्पेशली जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल के उभार का जो कारण था वो भाजपा की मजबूती नहीं थी, वो कांग्रेस की कमजोरी थी। कांग्रेस रणनीति बनाने में सफल नहीं थी, और सफल क्यों नहीं थी कांग्रेस रणनीति बनाने में? ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, उनके पास लोग नहीं थे, उनके जो रणनीतिकार थे वो तो छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, वो से ज्यादा मन से हारे हुए वो हाँ। और देखिए, बहुत रोचक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि पॉलिटिक्स पे हम 3 साल लंबी आगे जो आने वाली चीजें हैं भाष तो कर रहे हैं, लेकिन 2017 का रिजल्ट, अगर कांग्रेस इतना नजदीक पहुंच गई थी कि भाजपा आप हारी की तब हारी, ऐसी स्थिति बन रही थी बिल्कुल, 2022 आते आते क्या हो गया भाई? भाजपा की सरकार तो वहां 30 साल से है, एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात हो तो 30 साल से है, वही मोदी वहां नहीं थे, कर रहे थे 2022 में सर, आशुतोष झा, यही वही एंटी इनकम्बेंसी 2022 में तमाम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे।